दुनिया में कोई ऐसा अमल करते हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला मुस्कुरा पड़ता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने शाख में एक वो बंदा है जो ईसार करता है, अपनी जात को नहीं देखता बल्कि औरों की जरूरतों को पूरा करता है। तो मैं जब ये ईसार करता है अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे को देख के अपनी शान के लायक मुस्कुराता है। आका करीम अलैहिस्सलाम मसीह नबी शरीफ के अंदर मौजूद है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और आका करीम अलैहिस्सलाम ने साहबी को भेजा कि जाओ हमारे घर से पता करो कि मेहमान की ज़ियाफ़त के लिए कुछ है तो लेकर आओ। वो साहबी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के घर गए। सैयद आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि घर के अंदर सिवाय पानी का और कुछ मौजूद नहीं है। मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। फरमाया कि पानी मौजूद है, इसके अलावा घर के अंदर कुछ खाने के लिए मौजूद नहीं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने साफ में कौन है जो हमारे इस मेहमान की मेहमान नवाजी करे। एक अंसारी साहबी बैठे हुए थे, खड़े हो गए, अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी मेहमान नवाजी मैं करूंगा, या रसूलुल्लाह मुझे ये मेहमान अता फरमा दें। अब ना तो इन्होंने घर जाके मशवरा किया, ना घर वालों से पूछा कि घर के अंदर खाने के लिए कुछ है या नहीं। बहरहाल वो मेहमान जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मेहमान था उसको लिया और अपने घर चले गए। अंदर गए, एलिया से पूछा घर के अंदर खाने के लिए कुछ है। उसने कहा सिर्फ इतना खाना है जो सिर्फ हमारे बच्चे खा सके, ना तो आपके खाने के लिए है ना ही मेरे खाने के लिए। उसने कहा अच्छा, बच्चों को ऐसा करो तुम बहला सुला दो और जो हमारा मेहमान जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने भेजा है हमने इसकी दावत करनी है। कहा जब खाना लग जाए तुमने क्या करना है कि चराग ठीक करने के बहाने बुझा देना है और मेहमान के सामने खाना पड़ा होगा और हम साथ बैठ जाएंगे कि कहीं मेहमान को शर्मिंदगी ना हो कि इनके घर के अंदर खाने के लिए कुछ नहीं था, एक बंदे का खाना था जो खा सकता था और ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं खा रहे, उसकी शर्मिंदगी ना हो। खाना बन गया, मेहमान के सामने खाना रख दिया गया और उन अंसारी सहाबी की अहलिया गई और चराग को ठीक करने के बहाने उसको बुझा दिया। अब अंसारी सहाबी साथ बैठ गए, कभी बर्तन उठाते हैं कभी रखते हैं और इस तरह आवाज पैदा करते हैं जिस तरह साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। अल्लाह अकबर, रात की तारीकी है, अंधेरा है, चिराग बुझ चुका है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आज हम गरीबी के रोने रोते कि हमारे पास कुछ भी नहीं, कि जिनके घर के अंदर एक महीने का राशन भी मौजूद है, साल की गंदम भी मौजूद है और हर मौसम के हर तरह के कपड़े कई कई घर के अंदर मौजूद है, उसके बावजूद हम रोना रोते कि हमारे पास कुछ नहीं। लेकिन कुर्बान जाऊं सहाबा पर, घर के अंदर सिवाय एक वक्त के खाने का और कुछ नहीं है लेकिन फिर भी शुक्र अदा करते हैं। मेहमान को खिलाया, रात की तारीकी है, सुबह को जब उजाला हुआ उस मेहमान को लेकर हुजूर की बारगाह में पहुंचे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने साफ फरमाया कि ए अंसारी साहबी, जो तूने रात अमल किया है, मेरे मेहमान की मेहमान नवाजी की है, तेरे इस अमल को देख के रब अपनी शान के लायक मुस्कुरा रहा था। रब सारी रात तेरे अमल को देख मुस्कुराता रहा है। इस बंदे को खुद जरूरत थी, बच्चों को जरूरत थी, अहलिया को जरूरत थी, लेकिन अपनी जात को नहीं देखा बल्कि हुजूर के मेहमान को देखा है, मेहमान की मेहमान नवाजी की है, इस अमल पर अल्लाह सारी रात मुस्कुराता रहा है। अभी हुजूर अलैहिस्सलाम ने बात मुकम्मल नहीं कि जिब्रील अमीन कुरान का याद लेके आ गए। फरमाया ये इशार करते हैं गरचे इनको खुद जरूरत होती है। फरमाया जब बंदा इशार करता है, अपनी जात पर दूसरों को तरजीह देता है, बंदे के इस अमल से अल्लाह अपनी शान के लायक मुस्कुराता है। एक बंदा वो है कि जिसको देख के अल्लाह मुस्कुराता है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, इमाम तबरानी ने मौजिबुल कबीर के अंदर इस हदीस की रिवायत फरमाया, फरमाया रजुलुन कामा फी लैलतिन बारिदतिन मिन फिराशी वलिहाफी वदिसारिही। फरमाया एक बंदा है, रात का वक्त है, बंदा उठता है, सर्दियों की रात है, ठंडे पानी से वजू करता है, अपने लिहाफ को छोड़ता है, अपने घर वालों को छोड़ता है और फरमाया अपने आराम को छोड़ता है, फतवद्दा, फिर वो वजू करता है, वजू करने के बाद वो मुसल्ले पे खड़ा होता है और अपने रब की बारगाह में अर्ज़ो नियाज करता है, नमाज अदा करता है। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को बुलाता है और फरमाता है देखो मेरे बंदे को, ये मेरा बंदा सिर्फ मेरी जात के लिए, मुझे खुश करने के लिए मुसल्ले पर खड़ा हुआ है। फरमाया फरिश्तों बताओ ये बंदा क्या चाहता है, किस चीज ने इसको उठाया है। हालांकि सारे लोग सो रहे थे लेकिन ये उठा है, ठंडे पानी के साथ वजू किया है, गरम गरम लिहाफ को छोड़ा है, अपने घर वालों को छोड़ा है
और फिर मेरी जात के मुसल्ले पर खड़ा हुआ है, तो फरिश्ते अर्ज करते हैं या रब्बुल आलमीन सिर्फ तेरी चाहत ने और जो तूने जन्नत तैयार की है उसके हुसूल के लिए या रब्बुल आलमीन ये मुसल्ले पर खड़ा हो गया। फरमाया और क्या चीज है जिसने इसको मुसल्ले पर खड़ा किया? या रब्बुल आलमीन जो तूने जहन्नम तैयार की है, या रब्बुल आलमीन तेरे खौफ की वजह से, जहन्नम से बचने की वजह से या रब्बुल आलमीन ये मुसल्ले पर खड़ा हुआ है। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों फिर तुम इसको बशारत दे दो मैंने इसके गुनाह की बख्शिश फरमा दी है। मैं जब ये बंदा मुसल्ले पे खड़ा होता है अल्लाह तबारक तआला अपनी शान के लायक इस बंदे को दे के मुस्कुरा रहा होता है कि सारी दुनिया सो रही है लेकिन ये मेरी जात के लिए जाग रहा है। रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे ते दर्द मंदानू याद सजन दी सुतियां आन जगावे। सावन की काली रातों में जब बूंदा बांदी होती है वो रातों को उठ उठ रोते हैं जब खलकत सारी सोती है। फरमाया जिनके दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत होती है, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से लोग सो रहे होते हैं, ये मुसल्ले पे खड़े होके अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं। अभी सर्दियां हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सर्दी के रोजे ये ठंडी गनीमत है कि दिन छोटे हैं, अगर किसी के रोजे रहते हैं तो वो इन रोजों को मुकम्मल करे, अगर नहीं तो नफली रोजा रख ले। और फरमाया रातें बड़ी होती हैं तो रात को कयाम करें, इशा की नमाज पढ़ने के बाद कुछ देर और नवाफिल पढ़ लें, सुबह को तहज्जुद के लिए उठें। फरमाया जब बंदा तहज्जुद के लिए उठता है अल्लाह अपनी शान के लायक बंदे को देख मुस्कुरा रहा होता है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने शाख में एक वो शख्स है जो रात को उठे फिर वुजू करे, नमाज पढ़े, तिलावत कुरान करे, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द बयान करे और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने शाफ में मेरी जात पर दुरूद पाक पढ़े, इस बंदे को देख के अल्लाह अपनी शान के लायक मुस्कुरा रहा होता है। ये वो बंदा है जिसको देख के अल्लाह मुस्कुराता है। एक और रिवायत के अंदर आका करीम अलैहिस्सलाम ने शाफ में तीन बंदे ऐसे हैं कि जिनको देख के अल्लाह अपनी शान के लायक मुस्कुराता है। फरमाया एक वो बंदा है जो रात को उठकर नमाज पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे को देख के मुस्कुराता है। दूसरा फरमाया जब नमाजी नमाज के लिए सफे बनाते हैं कि सफ बनाई है, सफ जब बना के खड़े होते हैं अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के लायक इन नमाजियों को देख के मुस्कुरा रहा होता है। कभी ये कयाम करके खड़े हुए फिर रुकू करेंगे फिर सजदा करेंगे फिर कहेंगे सुबहान रब्बी अल्लाह सुबहान रब्बी अल्लाह, समय नमाजियों को देखकर जब ये सफ के अंदर खड़े होते हैं अल्लाह अपनी शान के लायक मुस्कुरा रहा होता है। और तीसरा फरमाया वो मुजाहिदीन जब जिहाद के लिए सफों को दुरुस्त करते हैं कि अभी ये सफों को दुरुस्त करके खड़े हुए हैं फिर अल्लाह फरमाते हैं मेरे दुश्मनों के खिलाफ ये लड़ने के लिए तैयार होंगे, या तो मरेंगे या फिर मारेंगे, या तो कत्ल करेंगे या फिर शहीद हो जाएंगे। फरमाया जब ये जिहाद के लिए सफे बना के खड़े होते हैं अल्लाह अपनी शान के लायक इनको देख के मुस्कुरा रहा होता है। और हजरत मौला अली रदियल्लाहु तआला अन्हु आप एक मरतबा अली बिन रबिया रदी अल्लाह तआला को अपने पीछे सवारी पे बिठाते हैं, सवारी पे बिठाया और मकाम हिरा की तरफ सवारी को लेकर चल पड़े। जब मकाम हिरा की तरफ जा रहे हैं रास्ते के अंदर जब पहुंचे तो हजरत अली बिन रबिया कहते हैं कि मौला अली रदी अल्लाह तआला ने आसमान की तरफ निगाह उठाई फिर पीछे मुड़ के मेरी तरफ देखा और फिर मुस्कुराए और कहा अल्लाह मग़फिरली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फिरु ज़ुनूबा अहदुन ग़ैरुका। ये दुआ पड़ी या रब्बुल आलमीन मेरे गुनाह की बख्शिश फरमा दे, या रब्बुल आलमीन तेरे सिवा गुनाह का कोई बख्शने वाला नहीं। हजरत अली बिन रबिया कहते हैं कि मैंने अर्ज की ऐ अली आपने देखा आसमान की तरफ है, मुझे देख के मुस्कुराए हैं और अल्फाज को अदा किया है, वजह क्या है? फरमाया ऐ अली बिन रबिया आज आप मेरे पीछे सवारी पर बैठे हैं, एक वो वक्त था जब मैं हुजूर अलैहि सलाम के पीछे सवारी पर बैठा था, यही मकाम हिरा था और हम इसी तरह सवारी पर हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ थे, मैं हुजूर के पीछे बैठा था। आका करीम अलैहिस्सलाम अपनी निगाह आसमान की तरफ उठाई फिर पीछे मुड़ के मुझे देखा और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाह मग़फिरली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फिरु ज़ुनूबा अहदुन ग़ैरुका। फरमाया ये अल्फाज अदा किए फिर मुझे देख के मुस्कुराए, तो ऐ अली बिन अबिया जिस तरह तू मुझसे सवाल करता है मैंने भी इसी तरह हुजूर से सवाल किया था। फरमाया के मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने निगाह आसमान की तरफ उठाई
बात रब से की, दुआ रब से मांगी, मुझे देख के मुस्कुराए, वजह क्या है? मुझे हुजूर अली सलाम ने साफ मता ए अली, जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर दुआ करता है, अल्लाह माफ़िल ली ज़ुनूबी, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह की बख्शिश फरमा दे, इन्नहु ला यग़फिरु ज़ुनूब अहदुन गैरुका, या रब्बुल आलमीन तेरे सिवा मेरे गुनाह को कोई बख्शने वाला नहीं है। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला बंदे के इस बात को देख के मुस्कुरा पड़ता है। फरमाया जब मैंने अपने रब से दुआ मांगी तो मेरा रब अपनी शान के लायक मुस्कुरा रहा था। अब ये बंदा है, जब बंदा अपने गुनाहों की बख्शिश मांगता है, अल्लाह अपनी शान के लायक बंदे को देख के मुस्कुराता है। एक और हदीस पाक के अंदर आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है, उस वक्त भी अल्लाह बंदे को देख मुस्कुरा रहा होता है। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक मिसाल से बात समझाई, फरमाया कि ऐ सहाबा बताओ, एक बंदा अपनी सवारी पर सवार हो और अपनी सवारी पर अपना ज़ाद राह रखे, सहरा का सफर हो, सफर करता चला जाए करता चला जाए, फिर फरमाया कि वो कुछ देर के लिए बैठे, खाना तनावल करे, पानी पिए, फिर सवारी पर सवार होकर सफर शुरू कर दे। फरमाया कि फिर कुछ देर आराम करने के लिए सवारी से नीचे उतरे, आराम करे, उसका ज्यादे राह, उसका खाना, उसका पानी, वो सारा सवारी के ऊपर हो। जब वो आराम करके उठे और ना तो उसका पानी मौजूद हो, ना उसका खाना मौजूद हो, ना उसकी सवारी मौजूद हो, फरमाया उसका सारा कुछ खत्म हो गया। अब वो आगे देखता है, पीछे दाएं बाएं हर तरफ देखता है, तो उसको बंदा नजर नहीं आता, उसकी सवारी नजर नहीं आती। अब वो अपनी जिंदगी से मायूस हो जाता है, उसको यकीन हो जाता है कि अब मैं मरने वाला हूं, ना तो खाना है, ना पानी है, ना सवारी है, और ना कि बंदा बशर करीम नजर आता है, ना कोई सवारी और नजर आती है। अब उसको यकीन हो जाता है कि मैं इसी सहरा के अंदर मर जाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फिर वो मौत के इंतजार के अंदर लेट जाता है, लेटता है कि अब मौत है, इसके अलावा कोई है बात ही नहीं है। फरमाया फिर वो लेट जाता है, लेकिन भूख इतना सताती है कि भूख की वजह से उसको नींद ही नहीं आती। फिर कुछ देर आंखें बंद रखने के बाद जब वो आंखें खोलता है, उसकी सवारी भी मौजूद होती है, उस पर उसका ज़ादेरा भी मौजूद होता है। फरमाया सहाबा बताओ, इस बंदे को कितनी खुशी होगी कि अपनी जिंदगी से मायूस हो चुका था, यकीन था कि मैं मरने वाला हूं, अगर उस बंदे को उसको सवारी मिल जाए, उसका खाना और ज्यादा राह मिल जाए, उस बंदे को कितनी खुशी होगी। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बंदा तो बड़ा खुश होगा। फरमाया अगर किसी बंदे को उसकी गुमशुदा सवारी मिल जाए, उसका ज्यादा राह मिल जाए, वो इतना खुश नहीं होता जितना रब अपने बंदे की तौबा से खुश होता है। फरमाया गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। तो फरमाया जब कोई बंदा तौबा करता है, अल्लाह तबारक व तआला बंदे की तौबा से इतना खुश होता है। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।